तो दोस्तों ईएमएस लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही कंपनी का आईपीओ लिस्ट होता हुआ आपको देखने को मिला था और ये कंपनी का पहला रिजल्ट है तो इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, क्योंकि पहला रिजल्ट हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है शेयर के लिए। रिजल्ट से पहले देख ले, कंपनी ने इस क्वार्टर में आपको डिविडेंड देने का ऐलान किया है। पहले रिजल्ट पे ही कंपनी को उसे एक शानदार, मतलब एक रुपया का शानदार तो नहीं बोलेंगे क्योंकि 380 रुपये शेयर प्राइस चल रहा है, तो उसके ऊपर एक रुपये का डिविडेंड कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चलिए, कंपनी की तरफ से एक डिविडेंड दिया गया जो कि एक अच्छी बात है। रिकॉर्डेड कंपनी की तरफ से बताया गया है 24 नवंबर 2023 से, याद रखिएगा 24 नवंबर 2023 एक रुपये प्रति शेयर कंपनी के डिविडेंड के लिए कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई। चलिए अब नंबर देख लेते हैं नंबर्स कैसे हैं, क्योंकि नंबर्स देखने में तो बहुत शानदार लग रहे हैं, बहुत तोड़फोड़ वाले कंपनी दिए हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटाबेस के लिए लाख में दिया गया है। पिछले क्वार्टर में 1337 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 121 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के सीधा 210 करोड़ के आसपास पहुँचता हुआ देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने मिला, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 65% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 50% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है बड़े लार्ज अमाउंट में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल खर्च अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 108 करोड़ के आसपास, पिछले साल 79 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 156 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे इस क्वार्टर में थोड़ा सा ज़्यादा है कंपनी का कंपेयर टू पिछले साल, लेकिन ओवरऑल चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 22 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 29 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 45 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी 50% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर तो कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल होता हुआ देखने को मिला, ऑलमोस्ट 100% के आसपास की तेजी देखने को मिली। तो कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 4.82 रुपये का ईपीएस था, पिछले साल 25 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 9.39 रुपये के आसपास आपको देखने मिले। तो क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी का ईपीएस आपको बढ़ता हुआ देखने मिला है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का जो ईपीएस है वो आपको गिरता हुआ देखने मिला है। गिरता हुआ क्यों देखने को मिला है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा ये ईपीएस जो है ये एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आईपीओ आया था उस समय शेयर का जो नंबर ऑफ शेयर कुछ और थे, अभी नंबर ऑफ शेयर कुछ और है, इस वजह से आपको जो ईपीएस है थोड़ा सा आपको हाई देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल देखें तो ईपीएस भी आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो नंबर बहुत शानदार है, क्वार्टरली बेसिस पर, सालाना बेसिस पर दोनों देखें तो कंपनी ने बहुत मैसिव अमाउंट में अपने रेवेन्यू और अपने प्रॉफिट को जंप करवाते हुए देखने को मिल रही। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।